Assalamu alaikum students, I welcome you all in the online class of FEI. This is your science teacher from there. So let's move to our next topic today, that is electromagnet from the chapter electricity and circuits. तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं दैट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें क्या होता है, जिसमें जब कंडक्टर में करंट फ्लो हो जाती है तो वो क्या करता है, वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, देखिए आपने आपने क्या करना है, मैं आपको डेफिनेशन में से बोलती हूँ। इट्स अ टेम्पररी मैग्नेट, इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए पहले मैं आपको क्या बोलती हूँ, देखिए आपको क्या करना है, आपको एक आयरन नेल लेनी है, ठीक है ना। आपने एक आयरन नेल ले ली, ठीक है, जैसे आपने आयरन नेल ले ली, जब आपने आयरन नेल ले ली फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक वायर लेनी है, ठीक है ना, वायर लेनी है, कॉपर इंसुलेटेड वायर लेनी है, ठीक है ना। फिर जब हमने वायर ली उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस वायर को इसके साथ बाउंड करना है, मतलब टाइटली क्या करना है, बांधना है, ठीक है ना, रैप करना है टाइटली, ऐसे 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 लाइक जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको ये जो दो एंड्स इसके रहते हैं, फिर इस वायर के दो एंड्स रहते हैं, फिर आपको बैटरी के या सेल के दो टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, किया आपने कनेक्ट एक स्विच के साथ, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इधर दिखाऊंगी। अब देखिए जब आपने क्या किया, आपने एक आयरन नेल ले ली, जब मैंने आपको आयरन नेल दिखाई है, आयरन नेल आपने ले ली, फिर आपने क्या किया, आयरन नेल जब आपने ले ली फिर आपने एक वायर ली, वायर को इसके साथ रैप किया, ठीक है ना, रैप किया, इसको बांधा, बाउंड किया, फिर क्या आपने किया उसके बाद, एक मतलब जब इसके दो एंड्स है वायर के, फिर आपने इसको बैटरी या सेल के दो टर्मिनल के साथ बांध दिया, ठीक है। जब आपने इस वायर के दो एंड्स को इसके बैटरी से सॉरी सेल के दो टर्मिनल के साथ बांध दिया, फिर आपने क्या करना है, एक स्विच के साथ, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, और एक आयरन नेल जो है ना, आयरन नेल इसके साथ में आपको क्या करना है, कुछ मतलब पिंस रखनी है, लाइक आयरन पिंस, छोटी छोटी पिंस, लाइक सेफ्टी पिंस, कुछ भी रखिए आप, ठीक है ना, मेटल पिंस, मेटल पीसेस लाइक। तो आपको क्या करना है, फिर जब आपने अब स्विच ऑन कर लिया इसका, ठीक है, जब आपने स्विच ऑन कर लिया तो आपको इधर क्या होगी, इधर पे करंट जो है वो फ्लो हो गई। जब करंट फ्लो हो गई तो मैंने आपको पहले ही जिसे पढ़ाया हुआ था, जो कंडक्टर है ये क्या करता है, इस ये अपने इर्द गिर्द अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अब जब करंट फ्लो हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड इर्द गिर्द प्रोड्यूस हो गया, अराउंड इसके प्रोड्यूस हो गया, तो ये जो पिंस है इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना, पिंस जो है इसको अट्रैक्ट हो गई इसके, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये ऐसे मतलब इसी को लाइक यही होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट ये क्या होता है, इज अ टेम्पररी मैग्नेट, मतलब ये मैग्नेट जो होता है टेम्पररी होता है, मतलब ये परमानेंट नहीं होता। टेम्पररी क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल देखोगे तो करंट पे डिपेंड है ना, इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, देखिए करंट पे डिपेंड है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल स्विच ऑफ करेंगे तो जो अगर हम स्विच ऑफ करेंगे जो ये कंडक्टर है इसमें क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही पढ़ाया हुआ था ना, जेट जो कंडक्टर है ये इसमें तभी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी, इसमें तभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ सकती है, तभी इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगी। अब जब हमने स्विच ऑफ कर लिया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये आयरन नेल जो है तो ये मतलब बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी इन पिंस को, ठीक है ना। अब जब हमने स्विच ऑन कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये जो आयरन नेल है ये इन पिंस को बिल्कुल अट्रैक्ट कर पाएंगी। अब है ना ये टेम्पररी मैग्नेट, ये मतलब परमानेंट है, ये किस पर डिपेंड करता है, जब मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगी, अगर इसको ऑफ करेंगे तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिए अब जो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट है, देखिए अब इसकी देखिए अगर हम करंट जो है करंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, करंट को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना। अगर अब आप करंट को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरा क्या, अगर जो ये वायर है अगर इसको हम मतलब और टर्न्स करेंगे और उसको बाउंड करेंगे, ठीक है ना, और रैप करेंगे, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, इससे भी क्या होगा, इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसके यूजेस क्या है, ये यूज किया जाता है इन टेलीफोन्स, टेलीफोन जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, रिसीवर और क्या होता है माइक्रोफोन। ये जो रिसीवर है मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यही ये रिसीवर में ही होता है, ठीक है। दूसरा आता है मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी यूज होता है, लाउड स्पीकर्स में भी यूज होता है और इलेक्ट्रिक बेल्स में भी यूज होता है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।